जो सामाजिक तहफ्फुज़ जिसको कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन, ये वजारत पिछले साल बनी है और किसी को इसका नाम भी पता नहीं था और इसमें ये सब कुछ भी नहीं है अभी तक। ये एक वर्ल्ड बैंक की ग्रांट थी 150 मिलियन डॉलर और वो स्पेसिफिक ग्रांट थी मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ के हवाले से कि आमला औरतों को सिंध के जो सबसे गरीब रिमोट तरीन जिले हैं उसमें उन्हें रजिस्टर किया जाए और उनको जो पैसे का हमारे गवर्नमेंट के रूरल हेल्थ सेंटर है उनको भी इस ग्रांट में से पैसे मिल रहे हैं कि वहां पर उनकी डिलीवरीज और निर्धारित किया जाए। उसके अलावा हर खातून को 30,000 रुपए दूध के लिए बच्चे और माँ की सेहत के लिए दिए जाए, इसका बिल्कुल महदूद सा एक वो है। दूसरा ये 2022 में जो कि बनी है तो उसका एक अथॉरिटी बना दी गई है और हारिस गफ्तर साहब को ज्यादातर आप लोग जानते हैं तो वो उसके सीईओ हैं और ज्यादातर प्राइवेट मेंबर्स हैं और चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं, बट ये स्पेसिफिक पर्पज एक व्हीकल है तो उसके लिए भी अभी मैं जा रहा हूँ। अभी तक 70,000 रजिस्ट्रेशन किए, 31 जनवरी तक वर्ल्ड बैंक की डेडलाइन है कि हमें अभी 5 जिलों में एक्टिवेट हुई है, 15 जिलों में जाना और वो रिमोट जिले तो वो हम उस पर जा रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में जो ये जो मजिस्ट्री शायद हारिस के पास है, हम अपनी एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पूरी कैबिनेट की, तो सारे मिनिस्टर्स को मैंने खत लिख दिए और हर दूसरे रोज एक वजीर को लेके बैठ के प्रेस मैं लेके आऊंगा और सारे सवालों का वो खुद जवाब देगा। ये रोज हो रहा है, मसलन कल जुनैद अली शाह के साथ बैठा हूँ, उसके बाद कल का लंच भी आपका हमारे साथ, फिर मंडे को राणा को बुलाया कि बहुत सारे चैनल्स भी आपके बारे में चीजें चल, उससे पहले ब्रिगेडियर हारिस के साथ करा, लेकिन हमारे मेहमान आए हुए हैं इस पर हम अलहदा से इंशाल्लाह बात करेंगे।